आज की यूनिट, आज का ये सेशन जिसमें हम बात करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स का मतलब होता है हर्डल्स। जैसे कि मैं आपसे कनेक्ट कर रही हूँ इंटरनेट के थ्रू, सपोज करते हैं कि इंटरनेट ब्रेक हो जाता है या फिर रुक जाता है किसी वजह से, लाइट चली जाती है और मेरे जो कनेक्शन है वाईफाई का वो कट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कनेक्शन हो रहा है हमारे बीच में वो कट हो जाएगा। इसी को कहते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने प्रकार के होते हैं उसे हमें देखना है। तो पहले हम जाते हैं टाइप्स ऑफ बैरियर्स के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है सेमेंटिक बैरियर्स। सेमेंटिक का अर्थ होता है अर्थ, मतलब सेमेंटिक का मतलब ही होता है अर्थ। जैसे मैं कुछ कह रही हूँ आप उसको वैसा ही नहीं समझ पा रहे हैं जैसा मैंने आपसे कहा है, तो इसका मतलब है जो कुछ भी मैं कह रही हूँ उसका अर्थ आप नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, सेंडर का कहना है कुछ और है, रिसीवर के पास में जो पहुंचा वो कुछ और है। ठीक है, कई कई बार हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कुछ कहते हैं, सेंडर सोचता है कि उसने जो कहा एज इट इज कन्वे हुआ होगा रिसीवर के पास में, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो नहीं क्लियर कर पाया हो, नहीं समझ पाया हो। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है बैरियर्स का, अलग अलग प्रकार के। अब जैसे हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि अर्थ कुछ और निकलता है, कई सारे दूसरे शब्दों में दूसरी भाषाओं में उसके कुछ अर्थ अलग होते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारी बोलियाँ हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो हर एक बोली या भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी एक लैंग्वेज में तो उसका अर्थ कुछ और है, लेकिन किसी और लैंग्वेज में कुछ उसका अर्थ कुछ और है। जैसे एक शब्द है काका। ठीक है, काका शब्द होता है यदि शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो अंकल के लिए, चाचा के लिए हम काका का उपयोग करते हैं। पंजाबी में भी काके काका इस तरीके का यूज करते हैं, तो बच्चे के लिए करते हैं। तो इस तरीके से समझ लीजिए, आप अगर काका लिखा हुआ है और उसका अगर कोई लैंग्वेज जो दूसरी लैंग्वेज में उसका कन्वर्सेशन हो रहा है तो हो सकता है उसका अर्थ कुछ और समझा जाए। तो बात समझ में आ रही है। तो ये एक लैंग्वेज का बैरियर्स होता है जो कि कम्युनिकेशन में बाधक सिद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं? ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जो होते हैं, जैसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि किसी को नहीं समझ में आ रहा है या फिर पता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा नो यूनिटी कमांड, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि यूनिटी कमांड मिल रहे हैं। ओपन डोर पॉलिसी नहीं है, यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशनल जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है ना। ओपन डोर पॉलिसी कैसा मतलब है कि मतलब हर कोई अपनी बात को कह सके, है ना, और अगर नहीं कह पा रहा है तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल। अब टेक्निकल के बारे में तो हम समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं आपसे कन्वे कर रही हूँ इस इंटरनेट के थ्रू, अगर हमारा इंटरनेट ब्रेक हो जाए तो हमारी आपस में कम्युनिकेशन रुक जाएगा, तो टेक्निकल फॉल्ट हुआ ना। तो जब भी कभी इस तरीके का कम्युनिकेशन हो जिसमें टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं तो उस वक्त उसमें मैसेज पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि उसमें टेक्निकल बैरियर्स हो सकते हैं। अब ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? जैसे केबल नेटवर्क है नहीं काम कर रहा है, इंटरनेट नेटवर्क है नहीं काम कर रहा है, और उसके अलावा कभी कभी वेदर भी चेंज होता है, उसकी वजह से भी देखा है ना कि आपका जो नेट है वो काम नहीं करता है। तो ये सारे बैरियर्स होते हैं जो कि टेक्निकल फॉल्ट लेकर आते हैं। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में कौन कौन से होते हैं? जैसे एक द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द मेंटल कंडीशन ऑफ बोथ द पार्टनर्स। सही, एक मैंने बहुत बारी देखा है, अपने घरों में भी देखा है, कई और बारी भी देखा है कि जैसे मैं कुछ कह रही हूँ और मेरा माइंड जो है वो डिस्टर्ब है। ठीक है, मेरा जो दिमाग है उसमें कोई ना कोई उधेड़ बुन चल रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जो चल रही है, और जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी कॉन्शियस लेवल में सही तरीके से नहीं हूँ, और इसी तरीके से मैं हूँ बट सामने वाला जिससे मैं अपनी बात कह रही हूँ
वो अपने पूरे कॉन्शियस लेवल में नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि जो भी वार्तालाप होगी, जो भी कन्वर्सेशन होगा ना, वो एक्चुअल नहीं होगा। हो सकता है कि आज मैंने कोई बात कह दी, उसके बाद चार दिन बाद मुझे लगे कि ये क्या कह दिया था मैंने, ठीक है, और उसने जो दूसरा है जिसको सेंडर के ने मैसेज भेजा है वो भी अपने आउट ऑफ माइंड में हो, तो उस वक्त उसने कोई चीज सुन के हाँ कर दिया हो, हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने वो चीज यहाँ से सुन के यहीं बाहर कर दी हो, उसको अंदर लिया ही ना हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाता है, ठीक है। तो अ मेंटली डिस्टर्ब पार्टी कैन बी इन दिस टाइप बैरियर्स। इसके बाद में नॉन रिलेशन वाली बात हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, लैक ऑफ अटेंशन हो जाती है, प्रीमैच्योर एवेल्युएशन हो जाता है, ये सारे जो बैरियर्स होते हैं वो आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर। अब आता है पर्सनल बैरियर्स कैसे होते हैं। अब यहाँ पर पर्सनल कैसी बात आ जाती है कि किसी का एटीट्यूड अच्छा नहीं है, किसी का एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, किसी की हैबिट्स अच्छी नहीं है, या फिर किसी का जो नेचर है वो पूरा एरोगेंस से भरा हुआ है, और उसकी वजह से वो अपना कन्वर्सेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी चेंज होते हैं, जैसे अभी हमने पर्सनैलिटी की थ्योरीज पढ़ी थी और उसमें हमने ये देखा था कितने प्रकार के लोग होते हैं, कितने प्रकार की पर्सनैलिटीज होती हैं। कई बहुत मिलनसार होते हैं, उनसे कुछ भी कहो वो सुन लेते हैं, उनसे आप मजाक भी कर सकते हैं, उनसे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं उनसे बात करना भी बड़ा खतरनाक होता है, उनसे बात ही नहीं की जा सकती, तो उनका पर्सनल एटीट्यूड इस तरह से होता है कि उनका कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाता। तो कम्युनिकेशन का ये एक बहुत बड़ा मेजर जो है वो क्या होता है, फॉल्ट होता है, जो बैरियर्स का काम करता है। हमारे परिवारों में भी ऐसा होता है, कई सारे लोग हैं जो कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाते, कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते, और ऐसे लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है उनको एडजस्ट करने में। जैसे मान लेते हैं लड़कियों के साथ में ऐसा बहुत कुछ होता है, जब वो अपना घर छोड़ के शादी करके जाती हैं, तो अगर उनके पास में उनकी जो एटीट्यूड प्रॉब्लम हो गई अगर, और उनका जो बात करने का तरीका है वो ऐसा है कि लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाते, या फिर वो सोचती हैं कि क्या बोलना है, क्या रहने दो, तो उस वक्त बहुत दिक्कत आती है कम्युनिकेशन में, है ना। तो वही यहाँ पर आता है पर्सनल कम्युनिकेशन। अगर पर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आपको जॉब में भी प्रॉब्लम होती है, घरों में भी होती है, रिलेशनशिप में भी होती है, ठीक है। जेंडर, जेंडर मतलब क्या होता है, मैन मिसअंडरस्टैंड वर्ड ऑफ वुमेन ऑफ और वाइस वर्सा, मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो किसी फीमेल पर्सन की बात को नहीं समझ पा रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं समझ पाते हैं, और इसी तरीके से जो फीमेल की बातें हैं, मेल की बातें हैं वो फीमेल्स नहीं समझ पा रही हैं, दोनों की वजह से उनके अंदर मिसकम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंस थाट्स ऑफ मैन एंड वुमेन, मैन लर्न टू be good abstract conceptual like math and women like language based, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी शिकायतें होती हैं मेंस वुमेंस में आपस में जब कन्वर्सेशन होता है कि लड़कों का जो माइंड चलता है वो टेक्निकली चलता है, लड़कियों का माइंड चलता है वो इमोशनली चलता है, दोनों के बीच में इसी तरीके के कम्युनिकेशन लॉस होते रहते हैं, तो वो एक जेंडर इशू होता है। जेंडर में हर व्यक्ति भगवान ने बनाए हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग लोग बनाए हैं, और दोनों की ही सोचने की जो क्षमता है ना वो अलग अलग तरह की है, और अगर दोनों को कन्वर्सेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की बात को एटलीस्ट समझे, और अगर नहीं समझेगा तो वहीं पे कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में बात क्या आ जाती है आपकी, हैविंग डाउट थॉट कन्फ्यूजन, इसके बाद में ट्राई टू ओवरकम अ पुअर सेल्फ इमेज ड्यू टू फॉल्स परसेप्शन, फिर आ जाता है डीपली रोटेड प्रोजेक्शन अबाउट वंस ऑफ सेल्फ। देखिए इंटरपर्सनल में आ जाती है जब आपका कम्युनिकेशन किसी और से हो रहा है, ठीक है, आपको कुछ डाउट हैं, कुछ थॉट्स आपके जो हैं वो डाउटफुल हैं किसी और के बारे में, तो आप उसे कन्वर्सेशन करने में, उसे कम्युनिकेशन करने में थोड़ा सा अपने आप को रोकोगे,
ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाता है, फॉल्स परसेप्शन, हम किसी के बारे में कुछ अलग तरीके की राय कायम कर लेते हैं और जो राय क्या होती है टोटली गलत होती है, जिसके कारण से आपका जो कहना चाहिए बात करने की जो आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, तो ये इंटरपर्सनल बैरियर्स कहलाते हैं। फिर आता है लैंग्वेज, बहुत बड़ा बैरियर होता है लैंग्वेज का। तो देखिए, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ की जो भाषा है वो आप नहीं जानते हैं तो आप अपनी बात नहीं बता पाएंगे, वो व्यक्ति आपकी मदद करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। जैसे मैं अभी हिंदी भाषी क्षेत्र की पैदाइश हूँ, हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रही हूँ, अगर मैं ऐसे किसी क्षेत्र में चली जाती हूँ जहाँ पर हिंदी बोली ही नहीं जाती है, चलिए इंग्लिश में बात की जा सकती है, पता चले कि वो अगला जो व्यक्ति उसको इंग्लिश भी नहीं आती, तब मैं कैसे अपनी बात करूँगी, कैसे उसको समझ में आएगा, कैसे मैं अपनी ज़रूरतों की चीज़ें उसे कह पाऊंगी। तो लैंग्वेज का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है बैरियर्स के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर का मतलब डिफरेंट कल्चर एंड वैल्यूज। फिर आ जाता है क्लैश अमंग डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट बिलीफ्स वैल्यूज नॉर्म्स एंड आइडियाज। बहुत सारे आइडियाज, हमारे देश में तो इतने सारे कल्चर हैं, इतनी सारी संस्कृतियां हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे रिलीजन्स हैं, तो बहुत सारे बैरियर्स आते हैं यहाँ पर। जब देखो, देश में अगर इतनी सारी डाइवर्सिटी होती है तो आपको मान के चलना चाहिए कि आप अगर किसी एक मान्यता वाले व्यक्ति हो तो दूसरा व्यक्ति किसी और मान्यता वाला होगा, तो हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की मान्यताओं का, उसके कल्चर का सम्मान करना चाहिए। अगर इस तरह की भावना होगी तो कभी भी किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा और ना ही किसी को ऐसा लगेगा कि उसके उसमें सम्मान में कोई गलत हो गया या फिर उसकी सम्मान की हानि होगी या फिर बिहेवियर जो है वो खराब हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कल्चरल बिहेवियर, कल्चरल बैरियर तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता बहुत है, आते बहुत है। चलिए, अब ये तो हो गई हमने बैरियर्स की बात कर ली कि भाई ये कम्युनिकेशन हो रहा है और ये बीच में आ गया हर्डल, तो उसके कारण से यहीं पे कम्युनिकेशन रुक जाता है। अब इतने लंबे उसको पार करने के बाद अगेन फिर वो स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बात है मोर फोकस ऑन रिसीवर। सबसे पहली बात है कि जो रिसीवर है ना उस पर फोकस किया जाए कि भाई उस तक बात हमको पहुंचानी है। अगर आपकी लैंग्वेज बैरियर है तो आप साइन लैंग्वेज में अपनी बात को पहुंचाइए, ठीक है। फिर आता है कन्वर्सेशन सीरियसली। अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बात करी थी ना साइकोलॉजिकल बैरियर में, कन्वर्सेशन होता है लेकिन आपने सुना नहीं, उन्होंने समझाया नहीं, बात का अर्थ का अनर्थ हो गया। तो जब भी किसी के साथ में कन्वर्सेशन हो तो आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ में हो, अगर फोन पे हो रहा है, टेक्निकली हो रहा है, तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हो, जिसके कारण से कोई भी चीज ऐसा ना हो कि मिस कम्युनिकेट हो जाए। तो कन्वर्सेशन सीरियसली, दोनों को क्या लेना चाहिए, कन्वर्सेशन को सीरियसली लेना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर मैसेज आपको ये देखना चाहिए, पहले से इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे भी हम करें इंश्योर कर लें कि आपका जो मैसेज हो वो एकदम ही क्लियर हो, उसमें किसी तरह की इफ एंड बट की संभावना ना हो। एप्रोप्रिएट फीडबैक आपको सबसे अच्छा है कि आपको फीडबैक को एप्रोप्रिएटली लेना है, ताकि जैसे घरों में हम कहते हैं ना, समझ में आ गया है ना, सुन लिया है, सुन लिया है कि नहीं सुना है, तो दूसरा जब तक कह नहीं देता हाँ सुन लिया, अच्छा क्या कहा था मैंने बताओ, तो उसने कहा कि हाँ ये उसमें तीन चीजें मिस हो जाती है, तो कहेंगे नहीं अभी ये भी कहा था मैंने, ये भी कहा था और ये भी कहा था, अब सुन लिया, तो कहा हाँ सुन लिया है, अब बताओ सारी चीजें कि क्या क्या मैंने कहा, तो उसने रिपीट करी अगर तो समझ में आता है कि हाँ भाई समझ में आ गया है, कम्युनिकेशन हो गया है। तो अप्रोप्रिएट फीडबैक लेना जरूरी होता है हर किसी से, है ना। अगर हम टेक्निकली मैसेज भी कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के साथ में नॉन वर्बल भी कर रहे हैं, प्रोफेशनल भी कर रहे हैं, तो फीडबैक आपको लेना चाहिए ताकि समझ में आए कि जो सेंडर कहना चाह रहा है रिसीवर ने उसे कैच किया है या नहीं। फिर आता है डिलीवरी मैसेज केयरफुली। बहुत जरूरी है कि जो भी आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं बहुत केयरफुली करें, सावधानी पूर्वक करें, गलतियों के चांस ना ही हो, है ना, ना ही तो लैंग्वेज संबंधी, ना ही ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ना ही कल्चरल मिस्टेक्स, इस तरीके की मिस्टेक्स ना हो। यूजिंग मल्टीपल चैनल्स, कई सारे चैनल्स अलग अलग होते हैं, उनके थ्रू आपको मैसेज भेजना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपको मैंने बोला था ना कि आप अगर सिलेबस डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको हार्ड कॉपी में जरूर कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि हमने एक ऑप्शन से अपने मैसेज को भेज दिया,
हमने फोन या मेल के माध्यम से भेज दिया, अब मेल हमारा जो है वो बीच में ब्रेक हो गया या फिर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मेल नहीं पहुंचा, तो आप क्या करें, एक और किसी चैनल के थ्रू भी मैसेज को कन्वे करें, है ना, ताकि कहीं ना कहीं एक तरीके से तो आपका मैसेज कंप्लीटली पहुंच जाए। तो डिफरेंट चैनल का उपयोग करना चाहिए। मैंने क्यों कहा था कि आप इसको पेपर फॉर्म में निकाल लेना, क्योंकि हमारे फोन में इतना सारा डेटा होता है कि पता पड़ा वो चीज आपको मिल ही नहीं रही। फिर है नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेट ऑफ माइंड। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। बी अवेयर ऑन स्टेट ऑफ माइंड, वैल्यूज, आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से, बहुत ही केयरफुली अपनी रखनी है, तभी जाकर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टूल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, साथ ही साथ में क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं।